गुड इवनिंग टू ऑल केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन जो कल पढ़े थे वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग, और इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ा था डेफिनेशन, उसके बाद में अपन पढ़ा था मीनिंग ऑफ नर्सिंग, और उसके बाद में पढ़े थे स्कोप ऑफ द नर्सिंग, ये पढ़े थे। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग, एक नर्सिंग की जो उत्पत्ति हुई है उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, जिसमें पूरा वर्ल्ड की अंदर हिस्ट्री की बात करेंगे, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि भारत के अंदर एक नर्सिंग की क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फ्लोरेंस नाइटेंगल जो नर्सिंग की जन्मदाता है, फ्लोरेंस नाइटेंगल ये है अपने नर्सिंग की जन्मदाता, जो नर्सिंग के फील्ड को उत्पन्न करने वाले, एक नर्सिंग को बढ़ावा देने वाली महिला। तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं कि फ्लोरेंस नाइटेंगल है, उनका जो बर्थ हुआ था वो इटली के अंदर हुआ, और कब हुआ था 1820 के अंदर। दूसरा बात करें कि इनका डेथ कब हुआ, 1910 के अंदर डेथ हुआ, और कहाँ पर हुआ, लंदन के अंदर इनका डेथ हुआ था। तो ये था मॉडर्न नर्सिंग ऑफ मॉडर्न फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, जिसमें नर्सिंग की जन्मदाता। दूसरा फ्लोरेंस नाइटेंगल को आप लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, लेडी ऑफ द लैम्प। तो ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, दूसरा डेथ कब हुआ और बर्थ कब हुआ और कहाँ कहाँ पे हुआ और कौन से सन के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा फ्लोरेंस नाइटेंगल के बारे में आपको अच्छे से और नॉलेज की जानकारी लेनी है तो YouTube पे जा करके या विकिपीडिया में जा करके, क्रोम में जा करके फ्लोरेंस नाइटेंगल के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वहाँ पे पूरा पूरा डिटेल दिया गया है। हिस्ट्री की बात करें कि 1860 के अंदर, सबसे पहले बात करें 1860 के अंदर फ्लोरेंस नाइटेंगल ने, 1860 के अंदर फ्लोरेंस नाइटेंगल ने नर्सिंग स्कूल की स्थापना की है ना, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की। एक फ्लोरेंस नाइटेंगल ने क्या किया, नर्सिंग स्कूल की स्थापना की, वहाँ पे बहुत सारे नर्सों को तैयार करने के लिए एक स्कूल खोला गया। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो उसके बाद में 1874 के अंदर कनाडा में पहला स्कूल खोला गया, ठीक है ना, कनाडा में प्रथम नर्सिंग स्कूल खोला गया। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तो आपको जो है वो पढ़ना है, याद करना है। खोला गया तो सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटेंगल ने एक नर्सिंग स्कूल की स्थापना की थी, कब किया था 1860 के अंदर। दूसरा है 1870 के अंदर कनाडा के अंदर प्रथम नर्सिंग स्कूल की स्थापना हुई, उसके बाद में ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है 1882 में क्लारा बार्टन ने, किसने, क्लारा बार्टन ने यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की है ना। देखिएगा 1882 में किसने, क्लारा बार्टन ने यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं 1883 में मेरी एग्नियस सनी वैली ने टोरंटो जनरल हॉस्पिटल शुरू किया है ना। तो 1883 में ये मेरी ने क्या किया, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल की स्थापना की या शुरू किया। और 1901 के अंदर में नर्सिंग कार्यक्रम में पहली यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली, 1901 के अंदर कौन पहली यूनिवर्सिटी को नर्सिंग के फील्ड के में अंदर क्या क्या प्रोग्राम होता है, क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी स्कूलें खोलनी है, क्या क्या योजना बनानी है, तो एक यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली। कब मिली, 1901 के अंदर। 1952 में डॉक्टर मिल्ड्रेड मोंटेज ने पहला एसोसिएटेड डिग्री नर्सिंग प्रोग्राम कार्यक्रम की स्थापना की, डिग्री कार्यक्रम जिसमें बीएससी नर्सिंग के प्रोग्राम के बारे में डॉक्टर इसने ने
बात किया। उसके बाद में 1953 में ग्रेजुएट नर्सिंग एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ। तो ये हिस्ट्री है और पहले की हिस्ट्री है, उसको ऐसे कैसे याद करना है, और उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट और भी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। देखो, जीएनएम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या नर्सिंग के फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि जीएनएम आप कर रहे हैं, 3 ईयर का कोर्स है। यदि आपने 3 ईयर तक 4 आवर तक हमेशा डेली रूटीन का आपने नोट्स बना लिए, आपने बुक्स को अच्छे से देख लिया, उसके बाद में आपने हमेशा प्रैक्टिस किया, तो उस कंडीशन के अंदर आपका 3 साल के अंदर अच्छा स्कोर बनेगा। और यदि 3 साल के अंदर आपने अच्छे परसेंटेज बना दिए तो बिहार गवर्नमेंट के अंदर या बहुत सारी ऐसी जगह है जिसके अंदर परसेंटेज बेस पे नौकरी लगती है, तो उसके अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जिसके अंदर 3 साल तक ऐसे अच्छे से पढ़ाई करके 70,000 सैलरी आपको आपके खाते में आएगी। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो आ रहा है उसको देखना है, बुक्स पढ़ना है, नोट्स को अपने हाथ से नोट्स बनाना है, सब अच्छे से समझना है। मैं आपको प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, एक भी इस बोर्ड के बाद आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आपको अच्छा मौका है, आप घर बैठ करके अच्छे से पढ़िए। कोई भी आपको मालूम नहीं पड़ता है या समझ में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आप वहाँ पे कमेंट्स कीजिए यूट्यूब पे, हम आपको उस कमेंट्स का जवाब देंगे, आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, हिस्ट्री की बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर येल यूनिवर्सिटी स्कूल में नर्सिंग की परिभाषा, ठीक है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर, येल यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सिंग की डेफिनेशन नर्सिंग एक व्यवसाय के बारे में बताया गया। तो येल यूनिवर्सिटी ने 1960 के अंदर क्या डेफिनेशन होती है, क्या एक व्यवसाय है, उसमें क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में 1964 के अंदर नर्सेज ट्रेनिंग एक्ट पास हुआ, ये वीवीआई के अंदर रहेगा, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नर्सेज ट्रेनिंग एक्ट पास कब हुआ, तो वो हुआ था 1964 के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें हैं कि 1985 में ANA, अब देखिएगा ये ANA, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, फुल फॉर्म मैंने आपको पहले लिखाया, ANA अमेरिकन नर्सेज ऑफ एसोसिएशन ने नर्सेज के लिए कोड ऑफ इथिक्स का प्रकाशन किया है ना, कोड ऑफ इथिक्स जिसमें आचार संहिता, रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून कायदे, क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, उसके बारे में 1985 में अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने क्या किया, कोड ऑफ इथिक्स इन द नर्सिंग के फील्ड में प्रकाशन किया। तो ये था अपने हिस्ट्री। अब अपने हिस्ट्री पढ़ेंगे कि भारत में नर्सिंग का क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ उसके बारे में, और भारत के अंदर क्या क्या हुआ उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा भारत के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ नर्सिंग के फील्ड में। देखिएगा भारत में नर्सिंग का जो डेवलपमेंट है इन इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर हिस्ट्री की बात करें
तो भारत में सबसे पहले मद्रास में 1664 में मिलिट्री नर्सिंग की शुरुआत हुई है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 1666 के अंदर मिलिट्री नर्सिंग की शुरुआत भारत के अंदर कहाँ हुई, मद्रास के अंदर हुई, ठीक है। दूसरा है 1867 के अंदर सेंट स्टीफन अस्पताल, कौन सा अस्पताल, ध्यान रखना 1867 के अंदर सेंट स्टीफन अस्पताल दिल्ली में, ये कहाँ आया हुआ है, सेंट स्टीफन अस्पताल दिल्ली के अंदर महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया, सेंट स्टीफन अस्पताल, जिसके अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग देने, प्रशिक्षण देना नर्सिंग के फील्ड में स्टार्ट हुआ 1867 के अंदर। उसके बाद में देखिएगा 1871 के अंदर 6 मंथ मिडवाइफरी डिप्लोमा स्टार्ट हुआ है ना। तो 1871 के अंदर मिडवाइफरी डिप्लोमा स्टार्ट किया गया, मिडवाइफरी के अंदर गायनी के अंदर, पहले ओनली नर्सिंग के फील्ड में था, फिर बाद में धीरे धीरे डिलीवरी से रिलेटेड मिडवाइफरी के अंदर 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ। कब हुआ, 1871 के अंदर। 1908 में ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, VVI के अंदर जाएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये है जो इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिएगा ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1908 के अंदर। तो एक तो ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 1908 के अंदर हुआ। दूसरा है TNAI का फुल फॉर्म, आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर आएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुई 1908 के अंदर, ये आपका VVI क्वेश्चन में जाएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। 1918 में लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स की शुरुआत हुई, लेडी हेल्थ विजिटर LHV, ये इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। लेडी हेल्थ विजिटर की स्थापना कब हुई, 1918 में लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स की शुरुआत हुई, तो ये लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स स्टार्ट किया। उसके बाद में आपको याद रखना 1946 में दिल्ली में आर ए के कॉलेज, दिल्ली के अंदर राज अमृत कौर है ना, ये है राज अमृत कौर कॉलेज व वेलोर में BSc कोर्स की शुरुआत हुई, ठीक है ना। पहले NM हुआ, GNM हुआ, उसके बाद में RA के कॉलेज, जो बहुत आज टॉप रैंक के अंदर ये कॉलेज गिना जाता है, जिसके अंदर आज सारे सारे सिलेबस आ गए हैं, NM, GNM, BSc, MSc, PhD, जितने भी कोर्स है वो इसमें कराए जा रहे हैं। राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज, RA के राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज, ये दिल्ली के अंदर है। और 1946 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने और उसके बाद में वेलोर में BSc नर्सिंग की कोर्स की शुरुआत की गई। तो BSc नर्सिंग कोर्स भी, डिग्री कोर्स भी यहाँ से करना स्टार्ट हुआ। कब हुआ, 1946 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है कि RA के एंड वेलोर के अंदर जो BSc नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट हुआ वो कौन से सन के अंदर हुआ, तो 1946 के अंदर हुआ, ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना की गई, VVI, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC की स्थापना हुई थी 1947 के अंदर, और जो जितने भी नर्सिंग है, नर्सिंग स्कूल है, वो इसका गाइडलाइन का पालन करता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वो एक INC के अकॉर्डिंग बने बनाए नियम कानून कायदे के अकॉर्डिंग सारा स्टेट फॉलो करता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सारे स्टेट है वो फॉलो करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कॉलेजें होती है नर्सिंग के अंदर वो फर्जी पाई जाती है, तो फर्जी होने का कारण है कि INC से मान्यता प्राप्त नहीं है वो,
वो आईएनसी के रूल्स रेगुलेशन आईएनसी का इंस्पेक्शन टाइम पे नहीं करवाती है, वो आईएनसी को फीस नहीं करवाती है, इसलिए उन्हें मान्यता कैंसिल कर देता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आप एडमिशन लेते हो तो आईएनसी की मान्यता है या नहीं है, स्टेट की मान्यता है या नहीं है, उसके बाद में सब जांच पड़ताल करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको एडमिशन लेना है। तो 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई। तो ये आपके 3-4 जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा। एक तो TNAI इसका फुल फॉर्म और इसकी स्थापना, दूसरा है लेडी हेल्थ विजिटर, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, और INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, उसको भी देखिएगा। देखिएगा ये जितने भी लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 पहले हुए जो वर्ड बताए थे INCA है और TNAI है, तो ये सब इंपॉर्टेंट थे। उसके साथ साथ में अभी देखिएगा 1959 में RA के कॉलेज में मास्टर डिग्री कोर्स शुरू की गई है ना, जिसमें MSc पहले आपने BSc के बारे में पढ़े थे, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं MSc। तो MSc राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज जो दिल्ली में है, उन्होंने 1959 के अंदर मास्टर डिग्री कोर्स स्टार्ट किया, MSc कोर्स स्टार्ट किया इन द नर्सिंग के अंदर 1953। ये कितना है 1953 में पोस्ट BSc नर्सिंग की शुरुआत की गई। तो पोस्ट BSc नर्सिंग की शुरुआत कब हुई, 1953 के अंदर शुरू हुई। देखिएगा जैसे GNM है, GNM करने के बाद में 2 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ये कोर्स करते हैं। तो GNM करने के बाद में 2 साल का पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करते हैं, तो वो काउंट किसमें होगा, BSc नर्सिंग के अंदर अपने आप काउंट हो जाता है, ठीक है ना। तो GNM जो कर रहे हैं वो अपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, और वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, BSc नर्सिंग के अंदर कन्वर्ट होगा। तो 1953 में पोस्ट बेसिक नर्सिंग की शुरुआत की गई, ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। 1986 में MPhil कोर्स की शुरुआत की गई, MPhil की कोर्स की शुरुआत की गई 1986 में। 1991 में PhD कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत MVCT मेमोरियल कॉलेज मैंगलोर में हुई। तो ये आपका बेसिक था, और जिसमें पहले जो अपने पढ़े थे वो पढ़ा था कि नर्सिंग का डेवलपमेंट, जिसमें पूरा वर्ल्ड के अंदर की क्या हिस्ट्री थी उसके बारे में बात किया था। उसके बाद में अभी जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं अपने भारत के अंदर नर्सिंग की क्या स्टेटस है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या कॉलेज खुले हैं, कब शुरू हुआ है, तो वो ये सारी हिस्ट्री थी। तो भारत के अंदर जितने भी पॉइंट थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका याद, आपको याद रखना होगा, ठीक है। और अभी याद करते अपन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, आज थक गए हैं तो आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसके अंदर अपने 2 क्लास किया है, 2 क्लास के अंदर अपने सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में मीनिंग्स, और उसके बाद में स्कोप पढ़े थे। दूसरी क्लास के अंदर अपन पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग, जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड के अंदर क्या हिस्ट्री थी, और दूसरा पढ़ा भारत के अंदर क्या स्टेटस था उसके बारे में। नेक्स्ट अपना जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का क्या उद्देश्य है वो पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।